दुनिया भर के 210 से ज्यादा देश कोरोना वायरस से प्रभावित है। कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच दुनिया भर के लोगों को बस एक ही चीज का इंतजार है, वह है कोरोना की एक सुरक्षित और कारगर वैक्सीन। रूस और चीन ने तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल पूरा होने से पहले ही वैक्सीन को अनुमति दे दी और आपातकालीन अप्रूवल के तहत उच्च जोखिम वर्गों के लोगों को वैक्सीन दिया जाना शुरू भी किया जा चुका है। वहीं ब्रिटेन में इसी महीने टीकाकरण के लिए तैयारियां शुरू है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सफलता के काफी करीब है। अब इस वैक्सीन के बारे में ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के CLL लिमिटेड कंपनी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया है कि सोमवार तक कंपनी विक्टोरिया में वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक के उत्पादन के दायरे में पहुंच गई है। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से आई यह खबर बड़ी राहत और उम्मीद दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी स्थित 2GB रेडियो के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ग्रेट हंट ने इसकी पुष्टि की है। हंट ने 2GB रेडियो से बातचीत में कहा, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीकाकरण स्वैच्छिक होगा, लेकिन हम अधिक से अधिक लोगों को इसे लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हुड ने कहा, हमें विश्वास है कि ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास बहुत अधिक वैक्सीन है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मार्च में आम लोगों को इसकी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी। वही सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने बताया कि टीके को पूरी तरह से संसाधित करने में CSL को लगभग 50 दिन लगेंगे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार के मुताबिक वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपनी का एस्ट्राजेनेका और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ अलग अलग अनुबंधन है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भी ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सीय प्रशासन द्वारा स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन के तीसरे चरण का चिकित्सीय परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।